हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लास। एंड टुडे वी विल स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ बायोलॉजी, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। एंड टुडेज क्लास इज इंट्रोडक्शन टू दिस चैप्टर। द फर्स्ट थिंग इज, व्हाट इज सेल? सेल इज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। फ्रॉम द definition, one very important question arises that why cell is structural and functional unit of life. So the answer is, cell is called structural unit of life because it forms the basic structure of all types of living being. And why it is called as functional unit of life? Cell is called as functional unit of life because it can perform all the important life activities such as respiration, nutrition, excretion, etc., which is performed by an organism. तो सेल अपने आप वो सारा लाइफ एक्टिविटीज़ कर सकता है जो हम लोग कर पाते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म कर पाता है, जैसे रेस्पिरेशन है या न्यूट्रिशन है, एक्सक्रीशन है, इसलिए उसको फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। नाउ अबाउट डिस्कवरी ऑफ सेल, तो ड्यू टू एबसेंस ऑफ एडवांस्ड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, सेल वॉज बींग नॉट डिस्कवर्ड बिफोर 17th century। सेल वॉज डिस्कवर्ड ओनली आफ्टर इन्वेंशन ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। इट वॉज रॉबर्ट हुक हु वॉज एबल टू डिस्कवर द सेल इन 1665 वाइल ऑब्जर्विंग थिन स्लाइसेस ऑफ कॉर्क। He observed honeycomb-like structure consisting of little compartments which was later on named as cell. तो 17th century से पहले cell discover नहीं हो पा रहा था because of absence of optical instrument. क्योंकि microscope develop ही नहीं हुआ था, इसलिए 17th century के पहले cell का discovery नहीं हो पा रहा था। जब optical instrument बने तो जो वेरियस साइंटिस्ट थे, दे यूज टू डू समथिंग अंडर द माइक्रोस्कोप। उसी में से एक थे रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक वॉज ऑल्सो जस्ट ऑब्जर्विंग अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क। जो बार्क होता है ट्री का, दैट इज कॉल्ड एज कॉर्क। तो ही वॉज जस्ट ऑब्जर्विंग दैट वन अंडर हिज माइक्रोस्कोप। तो वॉट ही ऑब्जर्व? ही ऑब्जर्व हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें कि छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स में थे, और इन्हीं छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स को बाद में उन्होंने नाम दिया सेल। द माइक्रोस्कोप यूज बाय रॉबर्ट हुक वॉज प्रिमिटिव वन। इन 1674 लीवेनहुक यूज इम्प्रूव माइक्रोस्कोप एंड डिस्कवर्ड फ्री लिविंग सेल्स इन पॉन्ड वाटर। तो जो सेल डिस्कवर हुआ, जो किल्टिल कंपार्टमेंट्स की तरह दिख रहा था, हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर की तरह दिख रहा था, दैट वॉज अ डेड सेल। और लिविंग सेल जो डिस्कवर हुआ, दैट वॉज फ्रॉम द पॉन्ड वाटर इन 1674। बैक्टीरिया वॉज ऑल्सो डिस्कवर्ड बाई लीवेनहुक इन हिज ओन टार्टर ऑफ टीथ। उन्होंने अपने टीथ के टार्टर को लेके स्लाइड पर रखा, और स्लाइड पर रख के जब माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया तो ही सॉ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया वॉज ऑल्सो बींग डिस्कवर्ड बाई लीवेनहुक। रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस ऑफ द सेल इन 1831। तो रॉबर्ट हुक इज नोन फॉर द डिस्कवरी ऑफ सेल, एंड रॉबर्ट ब्राउन इज नोन फॉर द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस ऑफ सेल इन 1831। पुरकेंजी इज वन ऑफ द मोर साइंटिस्ट। ही क्वाइंड द टर्म प्रोटोप्लाज्म फॉर द फ्लूइड प्रेजेंट इन सेल इन 1839। Now next is cell theory. So cell theory was given by two biologists, Seldon and Sequan. And what are the postulates? What are the important points of the cell theory? Two important points is there. Cell is the basic unit of life, and all plants and animals are composed of cell. Virchow, एक और scientist थे जिन्होंने एक और point add किया 1855 में, that the new cells arises from the pre-existing one. So this is all about the cell theory.
नाउ वेरिएशन इन सेल नंबर शेप एंड साइज ऑफ सेल. तो सेल नंबर की बात करते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल एंड ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. जो ऑर्गेनिज्म है वो एक सेल से बना है या बहुत सारे सेल से बना है. अगर इस पे देखेंगे तो जो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं या तो यूनिसेलुलर होंगे या मल्टीसेलुलर होंगे. और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स का कुछ एग्जांपल अमीबा या पैरामीशियम है. और मल्टीसेलुलर एग्जांपल्स जो हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, इवन ह्यूमन बींग्स भी हैं. तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स. सेल शेप की बात करेंगे. द शेप ऑफ सेल इज़ नॉट ओनली डिफरेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बट ऑल्सो वेरी इन सेम ऑर्गेनिज्म. इट मे बी ओवल, स्फेरिकल, क्यूबॉइडल, पॉलीगोनल और अदर शेप जस्ट ड्यू टू देयर लोकेशन इन द बॉडी एंड देयर फंक्शन इन द बॉडी. एंड इट ऑल्सो वेरीज ड्यू टू डिवीजन ऑफ लेवर इन द बॉडी. सेल साइज भी कंसिडरेबली चेंज होता रहता है. अगर स्मॉलेस्ट सेल की बात करेंगे तो दैट इज़ PPLO, pleuronemia like organism, जो कि केवल 0.1 माइक्रोन का है. और अगर सबसे बड़ा लार्जेस्ट सेल की बात करेंगे तो दैट इज़ 170 mm इन डायमीटर एंड दैट इज ऑस्ट्रिच एग. पार्ट्स ऑफ सेल की बात करते हैं. द सेल मे कंसिस्ट ऑफ लिविंग प्रोटोप्लाज्म सराउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन. द प्रोटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस. द साइटोप्लाज्म कंटेन्स नंबर ऑफ स्ट्रक्चर कॉल्ड सेल ऑर्गेनल्स. द डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स मे बी प्लासिड, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, वैक्यूल, राइबोसोम्स, सीलिया, फ्लैजेला एक्सेट्रा. एंड इन सभी को हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. थैंक्स अ लॉट टू यू ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल. Thanks.